इम्पॉर्टेंस ऑफ सिम्बलाइजेशन इन अर्ली चाइल्ड हुड कैरिकम डी स्टूडेंट्स मुझे आपसे सिम्बलाइजेशन uh, का कैरिकलम में यूज़ के बारे में बात करनी है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका ये कितना जरूरी है और इसका रोल क्या है सो सिम्बलाइजेशन रेफर्स टू यूज़ ऑफ सिम्बल्स सिम्बल्स का यूज करना सच एज पिक्चर्स एंड रिटर्न वर्ड्स टू रिप्रजेंट आइडियाज़ ऑबजेक्ट्स एंड एक्शंस तो पिक्चर्स रिटर्न वर्ड्स के ज़रिए रिप्रजेंट आइडियाज़ को रिप्रजेंट करना ऑबजेक्ट्स और एक्शंस को ज़ाहिर करना uh, जदीद दौर में सिम्बलाइजेशन uh, का कम्प्यूटर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है और उसमें हम डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन अल्फाबट्स के की, की uh, जो लर्निंग है ये हम उसको सिम्बलाइजेन के ज़रिए Uh, एक uh, कामयाबी से यूज़ किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है सो हेयर आर सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिम्बलाइजेशन इन द अर्ली चाइल्ड हुड करिकुलम सो करिकुलम क्या है बेसिकली करिकुलम जो है वो दीज आर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज बाई द स्कूल वेदर इन द स्कूल और आउट ऑफ स्कूल टू अचीव द प्री डिटर्मिन गोल्स तो जो निसाब है बेसिकली क्या है ये ये प्लान ऑफ एक्शन होता है ये बच्चों को को मुखलफ जो स्किल्स और कम्पिटेंसीज़ और बिहेवियर सिखाने के लिए स्कूल का एक प्रोग्राम होता है जिसके जिसको इस्तेमाल करते करके वो बच्चों को सिखाता है तो सिम्बलाइजेशन इज़ अ फाउंडेशन फॉर लिटरेसी तो लिटरेसी के लिए सिम्बलाइजेशन का बहुत जो ये एक फ़ाउंडेशन के तौर पे काम करता है It is fundamental uh, skill for literacy, as it allows children to understand and use written language. तो so written language के, के use के यूज़ के लिए जो uh, ये लिटरेसी स्किल्स के लिए सिमलाइजेशन का जो है बहुत बुनियादी और की रोल है जो चिल्ड्रन हुव आ स्ट्रॉग फाउंडेशन इन सिमलाइजेशन जो बच्चे सिमलाइजेशन में यानी जो डिफरेंट uh, सिम्बल्स को यूज़ करना वो बेहतर अंदाज़ में जानते हैं तो वो उनको बेटर अंदाज में उनकी जो है मोर लाइकली टू डिवेल्प स्ट्रॉग रीडिंग एंड राइटिंग स्किल तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स जो वो बेहतर अंदाज में यूज़ करते हैं याद रखें जो राइटिंग स्किल्स हैं मोर कॉम्प्लेक्स बल्कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है तो सबसे पहले फिर दूसरी एक्टिविटीज सिखाएंगे बच्चों को और फिर इसकी तरफ चलेंगे सो देर फॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंट्रोड्यूस सिम्बुलइजेशन इन द अर्ली चाइल्ड हुड कैरिकम तो इब्तदाई जो निसाब है अर्ली चाइल्ड हुड का कैरिकलम है उसमें सिम्बलाइजेसन का को मुतारफ़ कराना बहुत ज़रूरी है और ये प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ स्ट्रॉग फाउंडेशन फॉर लिटरेसी तो लिटरेसी लिटरेसी में देखें दो तीन चीज़ें शामिल हैं पढ़ना लिखना मैथमेटिक्स और अब तो कंप्यूटर भी का चलाना भी लिटरेसी में शामिल है तो सिम्बलाइजेशन इज़ अ मल्टी आ, मल्टी मॉडल अप्रोच ये मल्टी मॉडल अप्रोच है इट अलाउज़ चिल्ड्रन कम्युनिकेट आइडियाज़ ये बच्चों को आइडियाज़ कम्युनिकेट करने में मदद देती है ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शंस वाइटी ऑफ वेज मुख्तफ अंदाज से इनकलूडिंग थ्रू पिक्चर्स जैसे आप डा ड्राग, के ज़रिए और रिटन uh, वर्ड्स के ज़रिए वो अपने जो चीज़ों का इजहार कर सकते हैं अपने ख़्यालत का इज़हार कर सकते हैं आइडियाज़ का इजहार कर सकते हैं तो मल्टी मॉडल अप्रोच टू कम्यूनिकेशन अलाउज़ चिल्ड्रन ये मल्टी मॉडल अप्रोच बच्चों को इस बात पे आमादा करती है कि एक्सप्रेस दमसेल्फ इन वाइटी ऑफ वेज तो मुख्त अंदाज़ से अपने ख़्यात का इजहार करें टू डिवेल्प आ डीपर अंडरस्टैंडिंग गहरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड कम्यूनिकेशन अबलाग और कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की एक गहरी अप्रो मतलब उनको गहराई के साथ वो उसका वो डिवेल्प कर सकें सिम्बलाइजेशन के ज़रिए सिम्बलाइजेशन एज अ टूल फॉर काग्नेटिव डिवेलपमेंट तो सिम्बलाइजेशन जो है ये एक जहनी डिवेलपमेंट का एक अहम टूल है सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कागनेटिव डिवेलपमेंट वो किस तरह इट अलाउज चिल्ड्रन टू डिवेल्प एब्सट्रैक्ट थिंकिंग ये बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पैदा करती है तजरीदी सोच पैदा करती है बाई इट इज़ चिल्ड्रन लर्न टू रिप्रजेंट कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट तो वो कॉम्प्लेक्स uh, आइडियाज को और uh, को रिप्रजेंट कर सकते हैं और विच हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर काग्नेटिव स्किल्स जो उनके काग्नेटिव यानी उसकी जहनी जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करने में मदद देते हैं एंड प्रिपेयर दैम टू कॉम्प्लेक्स लर्निंग टास्क और कॉम्प्लेक्स लर्निंग टास्क जो है उनको वो सीखने में मदद दे सकते हैं सिम्बलाइजेशन इमोशनल डिवेलपमेंट के लिए भी एक अहम टूल है बाई यूजिंग सिम्बल्स कम्युनिकेशन क्या चिल्ड्रन कैन एक्सप्रेस देयर थाट्स अपने थाट्स अपने आइडियाज को थाट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड फीलिंग इन अ सेफ एंड नॉन थ्रेटनिंग वे तो सेफ और नॉन थ्रेटनिंग वे से वो फील कर सकते हैं और दिस कैन हेल्प टू बिल्ड क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रमोट सोशल इमोशनल डेवलपमेंट तो उनमें सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर सकते हैं सिम्बलाइजेशन इन अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम में द सपोर्ट सिम्बलाइजेशन इन अर्ली चाइल्ड हुड करिकुलम क्या है इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद अ वाइटी ऑफ एक्सपीरियंस विद सिंबल तो मुख्तफ तरह के मुख, तरह तरह के वराइटी ऑफ एक्सपीरियंस इन सिम्बल्स इनकलूडिंग ऑपरचुनिटीज़ द यूज़ एंड क्रिएट देयर ओन सिंबल्स कि यहाँ तक के वो जो पहले लैंग सिम्बल्स को सीख लें वो अपने सिंगल्स सिम्बल्स डिवेल्प कर सकें और ये कंस्ट्रकटिविट्स अप्रोच है यानी वो अपने सिम्बल्स को लैंग्वेज को Uh, यानी क्या वो अपने पिक्चर्स के जरिए अपने ख्याल का इज़हार कर सकें अल्फाज के ज़रिए अपने ख़्याल का इजहार कर सकें या साइंस की मदद से अपने ख्याल का इजहार कर सकें और दिस कैन इंक्लूड एक्टिविटीज़, ड्राइंग राइटिंग एंड स्टोरी टेलिंग और प्रोवाइड चिल्ड्रेन विद्रिंट रिच इन्वायरमेंट द प्रिंट रिच इन्वायरमेंट यानी बच्चों के लिए uh, रसायल जराइद और उनको फ्राहम करना कुतब स्टोरी बुक्स वगैरह फ्राहम करना इंक्लूडिंग ए वाइटी ऑफ रिटन मटीरियल्स तरह तरह के उनको के लिए मोनोग्राम्स कार्ड्स वगैरह प्ले कार्ड्स वगैरह उनको फ्राहम करना और बुक्स साइंस एंड लेबल्स वगैरह तो ये चीज़ें हैं जो उनकी सिम्बलाइजेशन के इस्तेमाल के लिए और ये अर्ली चाइल्ड हुड करिकलम में आ, इनका यूज़ और इस्तेमाल बहुत इम्पॉटेंट है और उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से इसका बड़ा ही इम्पॉटेंट रोल है